लिफाफा आता है मिलता ही नहीं, 100 का नोट भी नहीं मिलता बेटा। इंडिया पकड़ लिया, बट वैसे ऐसी बात नहीं है। चापे टिक्की छोले भटूरे, बड़ा पाव दो मिल गया दुकान है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं मिंग मौसी के पास और आज फंक्शन है, सो ऑल रेडी एंड वी आर लीविंग नाउ। चले रेडी, बाय बाय मम्मा, बाय बाय, एंजॉय करना। आज दो दो फंक्शन हैं तो हमें दोनों ही अटेंड करने हैं, तो हम डिवाइड हो गए। यहाँ पे यस पिकू, यहाँ पे ट्रायल चल रहा है और यहाँ पे तुमने सब अपना ले लिया। यस अच्छी करवाई आपने, कटिंग अच्छी करवाई, ये करवाई है लिटरली, मैंने करवाई है बोल बोल के। ये तो भाई मम्मा के सामने बोल रहा हूं कि अच्छी करवाई आपने। नहीं अच्छी करवाई है, ये बोल बोल के करवाई है। बाय 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 पापा, रेडी? रेडी मैं ऐसे नहीं पूछ रही, तू रेडी है? हेलो भैया, मैं सुबह से तैयार बैठा हूँ। शाशद बेड पे सोने के लिए तैयार है। मम्मा टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ताकि आप भी अगली बार हमारे साथ ज्वाइन इन कर सको। ओके, फीवर करा के बैठे हो तो फिर अब चल रहे हैं, अब जो टाइम लगेगा रास्ते में लगेगा और फिर हम पहुंच जाएंगे फटाफट से। चलो जी, नमो बाय शाशर, मम्मी का ध्यान रखियो पीछे से। के लिए रुके हैं हम, क्विक पिट स्टॉप के लिए हम रुके हैं यहाँ पे। रात में अच्छा बन गया ना बाबा जी? अच्छा बना दिया ना, दिन में आए थे पिछली बार, इस बार रात में फटाफट हम एक क्विक ब्रेक के लिए रुके हैं यहाँ पे। तो टेस्टी होते इसके पनीर पकौड़े, अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे। बढ़िया मजेदार, क्या सब बढ़िया, मजा आ रहा है। मस्त एक पिट स्टॉप ले लिया हमने, क्विक सा पनीर पकोड़े खाने का स्टॉपेज तो बनता है। पापा मैं शादी के बाद हम जितनी बार इस रास्ते में आए ना, हमने ये स्टॉप जरूर लिया। ऑलमोस्ट टाउन मजा आ गया भाई, एकदम स्वादा सा हो गया ना करारा सा। अल्टीमेट आपका साला जो है ना बिल्कुल आप ही की तरह है, उसको भी वो पसंद है ना चिकन, जी कह रहा है पूरी उठा लो, पेटी ले लो। अब बार बार कौन आएगा? आ गए पापा, ये हमारा भाई जो बिल्कुल चांद की तरह कभी कभी दिखता है। बहुत पढ़ाई कर रहा है तू। हेलो, तुम्हारा साथी नहीं आया, सॉरी। नमस्ते करिए। हेलो हेलो बच्चा, जीजू भाई तू बदलो गया ये लड़का, कैसे ऐसी हम रात में हो रहे हैं, बहुत सही अच्छे लॉन्ग में टू गो नो, आपके बहुत सारे फैंस हैं। अरे कहा फैंस, अरे जो साली को प्यारी ऐसा होता है, अभी हाँ। ये जीजू के फैंस है, ये तो होता ही है, आप लोग का प्यार है। कौन है पनीर टिक्का खाओगे ना? क्या ऐसी बहन होनी चाहिए यार भाई की, टिंगर आ रही है भाई, फोटो डालती रही हूँ लड़कियाँ पहले पागल हो जाती है। बहुत गलत मीम्स है जो कहते हैं कि बहनें सेटिंग नहीं कराती भाई, मैं तो खूब करवाती यार। ये हमारा सबसे छोटा मेंबर, हेलो। तू ऐसी डांस कर रहा है, पकड़ लिया, बट वैसे ऐसी बात नहीं है। हेलो हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? अभिनंदन, अभिनंदन से मिल गया हूँ। क्या रास्ता दिखा रहा है? थोड़ा लेट हो गए मामा। लेट? यही तो मेरा काम है, लेट आना, तभी तो वैल्यू, वैल्यू तभी तो बनती है आदमी के लिए। लेट आए हमें जल्दी आने का क्या वैल्यू है? इतना मर्जी तीखा खिला दो। एक प्रश्न,
हाँ काई में गिर गया, उसकी लाइट है बंद। अब क्या होता है, ऑन ऑफ होता है पहले तो। अच्छा अच्छा क्या तो हिंदी इंग्लिश बोल रहे थे, बंद ऑफ क्या होता है। अच्छा मरी हुई बिल्ली कैसे चलेगी, मरी हुई बिल्ली मैंने चलते हुए देखी, चल तो मैं रहता, वो तो मरी हुई थी। अच्छा ग्रामर खेल रहा है, सही है ग्रामर खेल रहा है। बता दे अपनी क्लास में तू चाचू बन गया, ये दोनों पूछने कहां थे, कहां थे पूछे नहीं। गाइस ये देखिए, ये और ये सेम सेम है, गाइस देख लो हैंडसम गाइस, नो मैच। सो शालवी फंक्शन के बारे में थोड़ा बता। ऑलमोस्ट शादी जैसा फंक्शन होता है, शादी जैसा होता है, बस दुल्हन नहीं आती, दूल्हे की और लड़की मैदानी होती, हल्दी नहीं होती, मेहंदी होती है, भात बान चाक, फिर लास्ट में सबसे बड़ी दावत शादी की तरफ, संगीत और शादी का मतलब मिक्स फंक्शन हो जाता है। कहते बरात अब ना, जब दुल्हन होती है तो दुल्हन ही लड़का लड़की कितना ही खुश हो जाए, दोनों का कान छेदन होता है, कान छेदन प्रोग्राम, लेकिन बेचारों को ना तो विदाई मिलती, ना दूल्हा मिलता, ना दुल्हन मिलती, उसके लिए अभी वेट करना पड़ेगा, लीगल एज के बाद ही मिलेगी। ऐसा नहीं होता, सबके यहाँ होती है, मेरे लिए भी न्यू है ये, पर मैंने इन लोगों का अटेंड किया हुआ है सबका, तो आई नो। तुम्हारे भी तो होंगे ना छोटे छोटे? नहीं हमारे यहाँ नहीं होता, इनके यहाँ पर होता है, मौसी के होता है, मीनू मौसी के होता है, अंजू मौसी। मैं आपको अपनी साली करूँ जी, जो साली प्राइवेट थिंग्स, यस मेरे को तो, मेरे को भी बदला बदला लग रहा है, इतना टाइम हो गया आए, ये शाल भी का रूम है, ये इतना वाओ, ऐसे ही रूम वही है ना कि पापा और भाई तैयार होते तो वो सबसे लगता है। शाल भी कहते तो क्यूट है, तेरे पास भी पांडा है, हम दोनों बहन है पांडा पांडा, दोनों पे पांडा पांडा, पांडा पेन बनाया है, शुरू शुरू में जब रुक कहा, उसके बाद जो ब्लॉग्स देखे हैं पांडा पांडा वाला, मुझे चाहिए, मिलता भी नहीं, मुझे पता है हम ढूंढते मिलता भी नहीं, वो एक जगह उसको मिला, उसने पांच छह सब रख लिया। पाइनएप्पल वाली ये तुम्हारी कौन सी, पान वाली है, कैसी है, पान जैसी है, पान अच्छी है, बहुत अच्छी है, पूरा पान का फ्लेवर आ रहा है, बहुत अच्छी है। अब हम लेंगे स्ट्रॉबेरी वाली, स्ट्रॉबेरी बाइट ली तूने, पाइन एप्पल अच्छी है, ये भी हो गया कट, ये गरम गरम अमृतसरी कुलचा, कौन कौन सी आइसक्रीम खिला रहे हो भैया, पान आइसक्रीम खिला, क्या खाया, हमने पान खाया, बड़े अलग अलग फ्लेवर खाया, मैंगो मैंगो कैसी है, अल्फांजो मैंगो है और सेब अच्छे लग रहे हैं, सेब है, सेब है मैंगो पे, इनका ये आइटम अच्छा लगा था हमें, पान गुलकंद और पत्ता डाल के, नाइस आइसक्रीम की हमने बहुत तारीफ सुनी थी, तो फाइनली आइसक्रीम खा रहे डेजर्ट में, पान वाली ट्वेल्थ खत्म, अब आ जाइयो घर पे कभी, मैं घूमने फिरने का प्लान बना, दिल्ली गुड़गांव यही घूमने वाली हूँ, यही है सब जगह से इन्विटेशन, ओ लेके जा रही हूँ जीजू के पास, चाहिए तो बाहर दिल्ली आ, मैं आऊंगी अब दिल्ली आ रहे, ठीक है, अब मैं अकेले मोमोज खिलाएंगे, मैं तो अकेला आने की सोच रही थी, लेकर आई के मोमोज समोसे चापे टिक्की छोले बड़ा पाव दो मिल गया, आप दुकान है, मैंने वो बड़ा पाव खाना आपकी मम्मा वाला, वो आप मम्मा से दिया था हम आ गए टाइम से घर, आते मम्मी ने मेरे बाल बांधी है और मीठे का डिब्बा खोल दिया है, नानी ने मीठा भिजवाया, ये रही गुजिया, ये मैं खाई है, मेरे को एक्चुअली ये वाली अच्छी लगती है, ये ना सूखी होती है ऊपर से, विदाउट चाशनी वाली, अंदर से मीठी ही होती है, तो फिर तुम ये वाली क्यों खा रहे हो, क्योंकि ये भी टेस्ट होता है, तुम्हारे लिए मम्मी ने स्पेशली कह के नानी से मंगवाए हैं काले वाले, ये वाले गुलाब उसी दुकान के जिसके तुम्हें पसंद है, थैंक यू, ये डिब्बा मैं ले जाऊंगी, नहीं ये भी ले जा, थैंक यू थैंक यू, शाशन तूने खाना है थोड़ा थोड़ा, बचेगा ही नहीं,
एकदम ही साइड से आके नान कटाई कौन सी है भाई, उनके भी ससुराल से आया, उनको भी तो होता है ना। मम्मी ढूंढ ढूंढ के ना अपने जमाई की पसंद की भेजती है। बिल्कुल, मेरी मेरी सासुमा मेरे लिए भेजती है, उनकी सासुमा उनके लिए भेजती है। तुम्हारी नानी ने भी भेजा था, हमारे लिए नानी ने भी भेजा स्टाइल। बढ़िया भाई, तुम्हारा डबल मजे है ना ये, और क्या मजे ही मजे। नमकीन भी नानी का मेरठ का ही खोलते है, मीठा नहीं है ये। हाँ, दिल्ली में नहीं मिलता ये। अच्छा नहीं मिलता है, कम जगह मिलती है नान खटाई। कुछ कुछ चीजें जहाँ जहाँ जगह की फेमस होती है ना, यही होता है। उस दिन पता क्या हुआ, मम्मा गाड़ी में ना पापा जी बता रहे थे कि ना वो गुलाब जामुन अपने टाइम में खाते थे, कहते गैस करो कितने के, 25 पैसे की तो अनिल ताऊ जी वो खाते थे रबड़ी। मुझे वो रबड़ी याद आ गई, मैंने कहा 25 पैसे की नहीं, 25 पैसे की तो रबड़ी मिलती थी, 10 पैसे की मिलते होंगे गुलाब जामुन। हाँ, आपको इतनी पॉकेट मनी मिलती थी, मम्मी की पॉकेट मनी मम्मी इतनी डिसेंट बन रही, वो मैं नहीं करनी। मम्मी को ना पॉकेट मनी मिलती थी और मम्मी की पॉकेट मनी मतलब शुरू के एक हफ्ते में खत्म। ये दादी दादा के जो लाडले बच्चे होते हैं ना, उनकी पॉकेट मनी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी हो जाती है, हो जाती है। हाँ, हमें भी मिलते थे भैया की तो कहानी है उसपे, बहुत सही तो भी फिर मैं मना कर ना। हाँ, तू ऐसे नहीं लेता था, तेरे बताती हूँ मैं। इसका होता था, गया दादी के पास, दादी ने दिए 10 रुपए, नहीं 100 रुपए दिए इसे, पहले दिए 10 रुपए। हाँ, क्योंकि हम सबको 10 रुपए देने की आदत थी। हाँ, तो दादी को 10 रुपए देने की आदत थी, जब भी जाओ वो 10 रुपए निकाल के दे देती थी कि चिप्स खा लो। कहता दादी अपने पास ही रख लो। कहीं क्यों, क्या हो गया? 10 रुपए में तो कुछ आता नहीं, मैं क्या करूंगा इसे लेके। फिर दादी कह रही अच्छा तो ले तू 100 रुपए ले ले, ये भी आप ही रख लो। अब कह रही 100 में तो आ जाएगा, 100 में भी नहीं आ रहा, अब 100 क्यों वापस कर रहा है? तो कहता दादी को कि ना दादी ये तो सीधा मम्मी के पास चले जाएंगे, इतना बड़ा नोट दे दिया आपने, ये बड़ा मैं खर्च कर पाऊंगा, ये हमारे हिस्से थोड़ी आपने, ये तो मम्मी पापा, ये तो मम्मी के पास जाएगा। दादाजी पूछते इससे फिर तेरे को चाहिए क्या, वो बता दे तू दादी को। कह रहा 20 रुपए तो आए। ये सबसे छोटा है ना, तो इसके आते आते अलग लिफाफा आता है, मिलता ही नहीं, 100 का नोट भी नहीं मिलता। ये बेटा इंडिया के बच्चे बच्चे की कहानी है। मेरी माता तो है कि तेरे पे संभलेगा नहीं। मौसी आई थी तेरे को 2000 रुपए दे के गई। हाँ, तो वो तो मेरे को दे के गई थी, मैं रखूंगा कि बेटा तेरे से संभलेंगे नहीं मुझे दे। बचपन याद आ गया, बहुत 10 रुपए मिलते थे दादी से, है ना। और बहुत आइसक्रीम खाते थे हम कोने पे क्वालिटी वॉल्स वाले भैया से। चलो जी बाय बाय, चले हम खा लिया पी लिया, चले अब बाय बाय। चलो बाय बाय, सी यू नेक्स्ट व्लॉग, गुड नाइट, टाटा, गुड नाइट, होप यू हैड फन, लाइक शेयर सब्सक्राइब।